पिछले 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने से 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि हमें अपने किए कार्यों की मजदूरी नहीं दी जाती है। 30 दिन ड्यूटी करने पर कंपनी द्वारा 26 दिन की पैसे दी जाती है। सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा में भी भुगतान नहीं किया गया। हम अपना परिवार कैसे भरण पोषण करते हैं, इससे कंपनी एवं प्रशासन दोनों को कोई मतलब नहीं है। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। हम लोग न केवल गाड़ी चलाते हैं बल्कि जिम्मेदारी पूर्वक मरीजों को लाते तथा ले जाते हैं, लेकिन हमें पीएफ तथा मेडिकल की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके अलावा एम्बुलेंस में किसी भी तरह का मेडिकल किट जैसे दवा, ग्लोब्स, बैंडेड आदि की सुविधा नहीं दी जाती है। एम्बुलेंस कर्मियों ने सिविल सर्जन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी मांगों को लेकर जब एम्बुलेंस कर्मी सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण के कार्यालय, तो सिविल सर्जन ने उनकी पीड़ा सुनने के बजाय एम्बुलेंस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं इस संदर्भ में सिविल सर्जन ने कहा कि रात को हड़ताल की खबर मिली थी। मैंने जिला मैनेजर तथा एम्बुलेंस कर्मियों के साथ बैठक की है। 3 दिनों के भीतर समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। हमारी कंपनी जो पिछले जर्चल जो कंपनी थी वो हम लोग को सैलरी, पीएफ, मेडिकल, इंश्योरेंस, टीएडीए सब कुछ दे रही थी, लेकिन ये जो कंपनी जो भी आई हुई है, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है कंपनी का, और ये जो कंपनी जो है जीवीके, ये हमारा कंपनी जो आई हुई है, ये हमारा इंश्योरेंस बंद कर दिया है। एक साथ से पीएफ मेडिकल नहीं दे रहा है। हैंडओवर का टाइम इन्होंने कहा था कि 14,500 लोग सैलरी 26 दिन में दिया जाएगा, लेकिन 14,500 ना देके उन लोग 12,918 रुपया दे रहा है। 1582 रुपया ये लोग हर महीना रख ले रही है। उसके बाद इन्होंने कहा था 4 दिन या तो आप लोग छुट्टी देंगे या तो 4 दिन जो ओटी आप लोग कीजिएगा उसका अलग से भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज 13 महीने हम लोग काम किए हैं, किसी भी महीने में हम लोग को पैसा नहीं मिला। वो हर 4 दिन का पैसा वो कंपनी रख चुकी है। टोटल 13 महीने में 52 दिन का पैसा ये रखी हुई है हम लोग का। उसके बाद 1 साल का पीएफ मेडिकल का पैसा रख चुकी है। और दूसरी बात, जब भी कोई नई कंपनी आती है, आज हम 6 साल हो गए मुझे इस वार्ड में काम करते हुए, जब भी कोई नई कंपनी आती है हमेशा ट्रेनिंग के नाम पर पैसा वसूलती है, बोलती है 15,000-25,000 रुपया लगेगा ईएमटी ड्राइवर को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 6 साल आगे हम काम कर रहे हैं, अब किस तरह से गाड़ी चलाएंगे हम? हाथ से तो चला ही रहे, अब किस तरह चलाएंगे हम? बिना कहे पूछे बिना हम लोग बताए हुए हमारा अप्रेंटिस में नाम डाल दिया गया है, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। उसके बाद हम लोग का बिना कहे पूछे हम लोग के नाम से 2,000 रुपया हर महीने डिडक्ट किया जा रहा है सैलरी से ट्रेनिंग के नाम पर, जबकि हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, ना हम लोग कोई ट्रेनिंग में कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह 5 साल जिस तरह हम लोग काम किए उसी तरह आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना में हम लोग इतना में ड्यूटी में लगी हुई थी, कोरोना में हम काम किए, दिन रात हम लोग समझ में नहीं आता था, दिन रात हम लोग काम किए। जहाँ बाप बेटा का रिश्ता तार तार हो गया उस जगह पर हम लोगों ने अपना योगदान दिया। तो हमारे जो भी है मंत्री लोग जो है उन्होंने घोषणा किया था कि सही हो रहा मिलेगी 1 महीने की, लेकिन 1 साल आज 2020 से 24 हो गया, 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। जबकि हर सीएससी में हर कर्मी का सम्मान किया गया, लेकिन सम्मान तो कोई पूछने तक हम लोग को नहीं आया है। यहाँ लोग बोलता है कि ये कोरोना का योद्धा है, लेकिन उसी कोरोना योद्धा कोई पूछने तक नहीं आया, वो भी हम लोग का सैलरी अभी तक अटका हुआ है, वो पैसा अभी भी हम लोग का नहीं मिला हुआ है। दूसरी बात, जब भी कंपनी आती है तो अपना फायदे के चक्कर में, तो जब भी कंपनी आती है अपना टेंडर लेने के लिए कम पैसे में वो टेंडर ले लेती है, और उस टेंडर का भुगतान का जो है जो लॉस उन लोग का है वो हमसे निकालती है, हम लोग का सैलरी बंद कर देगी, कम कर देगी सैलरी वाले। पहले 15 था, अभी 12 कर दिया, अभी नई कंपनी आई हुई है क्लियर नहीं है उसका भी, वो कम कर देगी क्या पता, तो पीएफ बंद कर देगा, मेडिकल बंद कर देगा, इंश्योरेंस बंद कर देगा। अभी हमारे कुछ भाई थे जो अपने काम के टाइम पे अपनी जान गंवा दी हाईवे में एक्सीडेंट के टाइम पे, हम उनके बात किए उन लोगों से भी, घर वालों से, लेकिन उन्होंने बोला कि कम से कोई भी ऑफिस से कोई भी मदद हमको नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि पिछली कंपनी के जैसा हम लोग का टाइम से सैलरी दिया जाए, जो सैलरी में थी उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, पीएफ दिया जाए, मेडिकल हम की सुविधा दिया जाए, जो पिछले जो मिलती थी हम लोग का स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि कंपनी हमेशा हम लोग पर प्रेशर डालती रहती है काम के लिए। अगर आप उसको कुछ बोलिएगा तो कंपनी बोलेगी कि ट्रांसफर कर देगी, उस पर आप कुछ बोलिएगा तो कंपनी काम से बिठा देगी, यानी जब चाहे वो रखेगी, जब चाहे हटा देगी। तो हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर हेल्थ डिपार्टमेंट नर्सिंग के द्वारा हम लोग को स्थायी किया जाए,
ताकि ये समस्या हम लोग झेलने ना पड़े। आदमी काम करता है तो उसका सैलरी बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से उल्टा हो रहा है। आज 6 साल पहले जो मेरी सैलरी था वो सैलरी घट चुकी है मेरी, उल्टी पहले 15 था आज 12 किया, फिर कम होगा बढ़ने की जगह, और हम लोग अब सैलरी घट जा रहा है। जब हम काम चालू किए थे उस समय महंगाई कुछ नहीं थी, आज महंगाई चरम सीमा पे है। जहाँ टमाटर 20 थी पहले, आज टमाटर 100 रुपए किलो है। आज दुर्गा पूजा त्यौहार था, त्यौहार निकल गया, बच्चे में फैमिली सब उम्मीद में था कि पापा आएंगे सब तो घर का राशन पानी कपड़ा लत्ता करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। पैसा नहीं है मेरे पास, 3 महीने से हमको भुगतान नहीं हुआ है। बच्चे गेट पर निकल कर लोगों को देख रहे हैं, कैसे लोग मेला जा रहे हैं, कैसे लोग गुब्बारा और मिठाई लेकर आ रहे हैं। मेरा बच्चा आज खड़ा है वहाँ पर, उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मेला कहाँ से लेकर जाएंगे उसको हम। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आउटसोर्सिंग वाले हम लोग से करते हैं, हम लोग शोषण करते हैं हम लोग पर। हम लोगों ने डीसी मैडम, सीएस ऑफिस, एसपी सर, एमआरआई कंपनी, जेडचल को हम लोगों ने 2 दिन पहले ही मेल कर दिया था। ऑफिस तो बंद थी, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने आज जाके हार्ड कॉपी दिया। हम लोग से सीएस से बात हुआ था, लेकिन सीएस सर भी हम लोग अभद्रता से बात करके हम लोग वहाँ से भगा दिए। वो बोलते हैं कि 15,000 कमाने वाले तुम लोग हमको हाजिर कर लोगे, तुम लोग को चिन्हित कर लिए हम, वो काम जुलम काम नहीं करने देंगे हम।